आज मसाला किचन में बन रहा है मोहन थाल। मोहन थाल का नाम सुनते ही ऐसे लगता है पता नहीं इसमें कौन कौन सी चीजें लगेंगी। नॉर्मल जो बेसन की बर्फी होती है और मोहन थाल, उसमें कुछ फर्क होता है। इंग्रेडिएंट्स लगभग एक जैसे होते हैं, क्या फर्क होता है आज मैं दिखाती हूँ। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है, कोई मावा नहीं डालना है, कोई मिल्क पाउडर नहीं डालना है, आपको बहुत ही आराम से इसे बना सकेंगे। बस खास ट्रिक्स को फॉलो करनी है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो बेसन होता है वही लिया है। 2 कप भर के मैंने बेसन ले लिया। कुछ नापने की ज़रूरत नहीं, घर में कोई भी कटोरी हो उसे आप ले लीजिए और इस तरीके से उसे 2 कटोरी आप भर के किसी भी बर्तन में डाल दीजिए। तो अब 2 कप जो मेरे पास बेसन है उसमें हमें क्या ट्रिक फॉलो करनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ दूध। दूध डालने के बाद हमें 2.5 से 3 टेबलस्पून डालना है घी, और घी डाल के हल्के से इसे हाथों से चलाना है और इसे हमें ढक के रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर है दूसरी ट्रिक। ऐसा करने के बाद जब हम ढक के निकालते हैं, या तो आप एक मोटी छन्नी से छान लीजिए या फिर एक बार मिक्सी में चर्न कर लीजिए, जिससे बेसन का कलर ही चेंज हो जाएगा, उसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। जब टेक्सचर चेंज हो जाता है ना, तो ये बेसन की बर्फी नहीं, ये मोहन थाल बनता है। ये देखिए, अब पीसने के बाद दिख रहा है ना बिल्कुल वो मोहन थाल जैसा, बिल्कुल बेसन नहीं लग रहा, ये ऐसा दानेदार चूरमे जैसा लग रहा है। तो यही फर्क होता है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अब जो सही नाप आपको लेनी है वो लीजिए। एक मोटे तले का कोई भी बर्तन ले लीजिए। जिस कटोरी से आपने बेसन नापा था, जैसे 2 कटोरी हमने बेसन लिया था, 1/4 कटोरी आपको लेना है घी। नाप का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। 1-2 चम्मच मेरे अभी कप में घी है, वो मैं बाद में डाल दूँगी। 3 चम्मच हमने पहले डाला था, मतलब कुल मिला के हमें 1 कप घी लग जाएगा। अब इसे धीरे धीरे भूनना शुरू कर लीजिए। सबसे पहले बेसन की बर्फी जो होती है वो बिल्कुल प्लेन लगती है और ये दानेदार लगता है, और उसमें घी थोड़ा कम डाल सकते हैं, लेकिन इसमें घी अच्छी क्वांटिटी में होता है। लेकिन मावा भी डालते हैं, लेकिन आज मैं कोई मावा वगैरह नहीं डालूंगी। यहाँ आपको दिखाऊंगी एक बाद में बहुत ही बढ़िया ट्रिक, जिससे आप मावा वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको देखने के बाद जब आप इसका स्वाद चखेंगे तो आगे से मोहन थाल आप इसी तरीके से ही बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मुझे और क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। 2 कप बेसन में मुझे 1 कप चाहिए चीनी और 1/2 कप चाहिए मुझे दूध। दूध कोई भी हो सकता है, और अगर आप केसर डालना चाहें तो केसर भी ले सकते हैं। और चाहिए मुझे पानी। अब इसकी अच्छे से भुनाई कीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इस बेसन की अच्छी भुनाई हो, इसका गोल्डन कलर आना चाहिए। खास बात कलर का भी होता है। मोहन थाल का कलर बेसन की बर्फी से काफ़ी अलग होता है, डार्क कलर होता है। मैंने आपको बारी बारी से बहुत सारी मिठाइयाँ, इंस्टेंट मिठाइयाँ, बहुत सारी मिठाइयाँ आपको दी हैं। इस राखी पर आपने क्या क्या मिठाइयाँ बनाने का प्लान किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सावन में जो हमें राखी में जो मिठाइयों की ज़रूरत होती है जन्माष्टमी के टाइम, वो सारी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप उन्हें देख सकते हैं और अच्छी से अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ देखिए भूनते भूनते करीब करीब मेरे को 12 से 15 मिनट हो गए हैं, इस बेसन का कलर काफ़ी चेंज हो गया। अब हम मावा तो डाल नहीं रहे, यहाँ पे जो दूध डालूंगी ना वो थोड़ा थोड़ा करके डालिए और उस दूध को भी पूरा सुखा दीजिए, फिर देखिए इसका कमाल। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ना काफ़ी झाग सी हो रही है, बस यही टाइम है आपको वो 1/2 कप जो दूध है वो धीरे धीरे करके डालते जाना है, लेकिन एक साथ पूरा नहीं डालना है, 2-2, 3-3 चम्मच करके 2-3 बार में डालना है, इससे इसका टेक्सचर और चेंज होता चला जाएगा। पहले जो बेसन का टेक्सचर था, कलर था, वो बिल्कुल अलग था, लेकिन अभी आपको दिख रहा है बिल्कुल ही अलग है। आपको लगेगा ये तो बेसन का हलवा बन जाएगा दूध डालने से, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर देखिएगा, आपको भी लगेगा कि बहुत ही चेंज है। अब ये दानेदार है और दूध को अभी हमें फिर से पकाना है,
ताकि दूध पूरा सूख जाए। फिर से ये बेसन की भुनाई शुरू हो जाएगी। पूरा दूध सूख जाए, बेसन फिर से भूनने लगे और उसमें दानेदार सा टेक्सचर बन जाए, फिर आप बेसन को हटा दीजिए। और हटाने के बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा उसे चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि और ज़्यादा वो डार्क हो जाए। अब बनाते हैं हम चाशनी। चाशनी में बिल्कुल परेशानी आपको नहीं लेनी है। यहाँ पे हमने एक पतीले में डाल दिया 1 कप भर के चीनी और पानी डालेंगे 1/4 कप 3/4 कप उसी कटोरी से। अब हमें इस चाशनी को पकाना है पहले घुलने तक। अब मैं इसमें केसर डाल रही हूँ, थोड़ा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो केसर न डालें तो थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं। वैसे मोहन थाल में आप थोड़ा सा कलर डालेंगे जैसे हलवाई डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। 1 पिंच मैं भी कलर इसमें डाल रही हूँ। अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, जैसे नॉर्मल हम गुलाब जामुन की बनाते हैं चिपचिपी चाशनी, इसे चिपचिपी से थोड़ी और पकाना है, मतलब एक तार आ जाए उतना हमें पकाना है। अब गैस बंद कर देते हैं। अब जो हमने बेसन को भून के रखा है उसमें धीरे धीरे ये सारी चाशनी हम डालेंगे। कलर को आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धीरे धीरे बेसन को चलाते रहिए। चाशनी डालने के बाद घबराएं नहीं, उसे थोड़ी देर गैस पर रखें, 1-2 मिनट पकेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हमने इसे गैस पर रख दिया है। अभी हमें सिर्फ उतना ही पकाना है कि ये जो चाशनी एक्स्ट्रा लग रही थी वो पूरी सूखनी चाहिए। इससे ये बेसन जो है ना अंदर तक फूलेगा और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। ये सारी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, हलवाई लोग इसी तरीके से इसे बनाते हैं। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट अब आपको पकाना है। पकाने के बाद कोई भी बर्तन ले लीजिए, थाली ले लीजिए, जिसमें आप चाहें तो सिर्फ घी लगाइए या फिर नीचे बटर पेपर लगाइए, ये आपकी चॉइस है। अब ये जो बेसन था बिल्कुल अच्छे से बीच में इकट्ठा होता जा रहा है, देखते ही देखते इसका पूरा पानी सूख गया। अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। इसे आप सेट कर लीजिए। आप चाहें तो अभी इसे डेकोरेट करके रख सकते हैं, पर मैं अभी इसे डेकोरेट नहीं करूंगी। मैं इसे इस तरीके से रख देती हूं। जब ये सूख जाएगा बिल्कुल, हम इसे बर्फी नुमा काट सकें, तभी मैं आपको मिलूंगी। ये नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूं, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसे मैं धीरे से निकाल लेती हूँ। ये नरम भी बहुत है, लेकिन इतना बढ़िया बन गया है कि इसे आराम से इसे स्लाइस कर सकते हैं। अब मैं धीरे से इसका कवर हटा देती हूँ। अब मोहन थाल बनाने के लिए इसे कुछ तो लगाना पड़ेगा। अब लगाएंगे वर्क। और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन। अब इसे हाथ से या किसी बेलन से हल्के हाथ से इसे दबा दीजिए। ये देखिए, काटते ही आपको लग रहा होगा ये कितनी सॉफ्ट है, लेकिन इतनी अच्छी सेट हो चुकी है कि ना तो मुझे टेंशन है कि ये पीस कैसे होगा। बहुत ही बढ़िया मोहन थाल बना है, स्वादिष्ट इतना है कि बस मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है। इसका टेक्सचर देख के आपको लग रहा होगा कि ये बेसन की बर्फी नहीं, ये तो मोहन थाल है। इसे आप गणपति बप्पा के टाइम या आप जन्माष्टमी के टाइम कभी भी बना सकते हैं प्रसाद के टाइम। ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो लीजिए, हलवाइयों जैसा मोहन थाल घर में बड़ी आसानी से तैयार हुआ है। कैसा लग रहा है आपको, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।